हेलो फ्रेंड्स, मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सूजी की इडली। सूजी की इडली बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है, 10-15 मिनट में बन जाती है। अगर कभी भी बच्चे या आपका मन हो खाने के लिए, 10 मिनट में तैयार हो जाती है इडली बन कर के। या बच्चों के टिफिन के लिए भी आप बना सकते हैं। इडली बहुत स्पंजी बनती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। ये सॉस के संग या सांभर के साथ आप खा सकते हैं या आप ऐसे ही खा सकते हैं। बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं। अगर लगाना चाहें तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, सरसों से और मीठी नीम से। नहीं तो कोई तड़का की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छी लगती है। यहाँ पर हम सबसे पहले इडली का बैटर बनाएंगे। इडली का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है और उसको हम, अगर सूजी आपकी मोटी है तो उसको थोड़ा सा पीस लें मिक्सर में। जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही हम दही लेंगे और इसे अच्छे से हम चम्मच से घुमा करके घोल बना लेंगे। 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे। अगर गाढ़ा है घोल तो उसमें हम और पानी डाल करके भी इसको पतला घोल बना लेंगे। और इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे ऐसे ही चला करके घोल बना करके रख दीजिए। जैसे ही हमारा घोल बनकर तैयार हो जाएगा, हम इसे ढक करके एक प्लेट में 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 या 15 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। जैसे ही हमारे 10 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम बैटर को देख लेंगे और उसे, अगर हमारी सूजी ज़्यादा फूल जाएगी तो, अगर गाढ़ी हो गई तो उसमें हम पानी डाल करके और घोल बना लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो पानी डालें, नहीं ना डालें। और इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे एक चुटकी। अगर आपके पास इनो है तो इनो डाल दें, वो तो और अच्छा होता है, इनो से और अच्छी फूलती है इडली। और स्टैंड लेंगे। स्टैंड में हम ब्रश या हाथों से तेल लगा देंगे। तेल लगाने से इडली चिपकती नहीं है, आसानी से निकल आती है। पूरे हम स्टैंड में तेल लगा देंगे और अपनी चम्मच से एक एक चम्मच अपना बैटर भर देंगे। और यहाँ पर हम स्टैंड में रख देंगे। स्टैंड में हम पानी रखा था पहले से और नींबू डाल दिया। नींबू डालने से स्टैंड काला नहीं पड़ता। ऐसे ही हम पूरी अपनी इडली भर देंगे। और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गैस में रख देंगे। गैस में हम 15 मिनट के लिए रखेंगे। मीडियम गैस कर देंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। हाई फ्लेम में पानी जल जाता है जल्दी। और 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो अलार्म भी लगा सकते हैं। जैसे ही हमारे 15 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और 1-2 मिनट के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 1-2 मिनट हो जाने के बाद हम अपनी चम्मच या चाकू में तेल लगा कर गिर के इसको निकाल लेंगे, या फिर आप हाथों से भी आप निकाल लें। देखो हमारी इडली कितनी स्पंजी बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत टेस्टी लगती है सूजी की इडली। आप एक बार ज़रूर बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यहाँ पर हमने तोड़ के भी दिखा दिया इडली। और यह सॉस या सांभर के साथ आप परोसिए।
यहाँ पर हम मीठी नीम से इसको गार्निश कर देंगे। हमारी इडली बनकर तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।